हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास द एक्सटेंडेड रियल लाइन। एक्सटेंडेड रियल लाइन क्या होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उससे एक्सटेंडेड रियल लाइन से पहले हमें रियल लाइन को समझना जरूरी है। रियल लाइन क्या होती है? रियल लाइन बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास सपोज 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव में -1, -2, -3। तो इस तरह के सारे एलिमेंट एक लाइन को, सपोज ये वो लाइन है, तो ये लाइन यहाँ पे 0, -1, -2, इसी तरह से ये इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इनके बीच के एलिमेंट्स, यानी कि 0 + 1/2 या इनके बीच के जो भी एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट्स का सेट जो है वो एक रियल लाइन को डिनोट करता है। रियल लाइन को डिनोट करता है बेसिकली अगर देखें तो ऐसे, या फिर हम ये कहें रियल लाइन जो होते हैं, कोई भी नंबर एलिमेंट है उसके बीच में अगर रियल लाइन बात करें ए और बी के बीच में, तो वो हमारे पास रेशनल, इसके बीच के जो भी रेशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन जो होता है वो रियल लाइन होता है। अब हमारे पास आता है एक्सटेंडेड रियल लाइन। एक्सटेंडेड रियल लाइन क्या होती है हमारे पास? एक्सटेंडेड रियल लाइन होती है हमारे पास, उसको कई बार हम आर स्टार से भी डिनोट करते हैं, आर स्टार से। तो यहां से देख लेते हैं, द एक्सटेंडेड रियल लाइन इज ऑब्टेन बाय द लार्जेस्ट एलिमेंट इन्फिनिटी एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी टू द रियल लाइन आर, यानी आर स्टार को डिनोट करते हैं, आर स्टार यानी आर यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि कोई रियल लाइन वो अगर वो इन्फिनिटी, यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या है इन्फिनिटी तक और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है माइनस इन्फिनिटी तक। बेसिकली इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, फिर इन्फिनिटी जो होता है कि ये डिफाइन नहीं है, ये हमारे पास अनंत तक चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म है इसमें, इनफाइनाइट तक ये चलता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इन्फिनिटी। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियल लाइन, या इस तरह के सेट को, इस तरह की लाइन को कहते हैं हम एक्सटेंडेड रियल लाइन। अब हमारे पास एक्सटेंडेड रियल लाइन या माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी में कुछ रिलेशन होते हैं जिसमें हम एड या सबट्रैक्ट किस तरह से करते हैं ऑन आर स्टार पे। आर स्टार पे अगर देखें तो अगर इन्फिनिटी में हमें कुछ ऐड करना हो एक्स, तो वो भी इन्फिनिटी होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड से ऐड करें या राइट हैंड से ऐड करें, चाहे हमें उसमें प्लस करना हो या माइनस करना हो, यानी अगर कई बार हम इन्फिनिटी माइनस एक्स, तो उस कंडीशन में ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा, बट एक्स माइनस इन्फिनिटी अगर हम करेंगे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर बाई, जैसे यहाँ पे देखिए बाई माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बाई, ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करने पे या सबट्रैक्ट करने पे वो इन्फिनिटी रहता है। अगर प्लस का इन्फिनिटी है, अगर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, अदरवाइज इन्फिनिटी के अलावा कुछ ऐड करना है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो नॉट डिफाइंड है, पर मल्टीप्लाई करते हैं हम इन्फिनिटी नंबर में किसी का एक्स, तो ये जो नंबर है एक्स, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो इन्फिनिटी रहेगा। अगर एक्स लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में वो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, जैसे इन्फिनिटी इंटू एक्स, और जहाँ पे अगर एक्स नेगेटिव है, यानी सपोज कि हम कर रहे हैं इन्फिनिटी इंटू -2, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इसको हम या -2 इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी होगा ये ओनली। इसी तरह से अगर इन्फिनिटी में हम किसी 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्फिनिटी में ये चीजें जो है, कई बार हम इसको पढ़ते हैं कि नॉट डिफाइन है, बेसिकली अगर किसी नंबर का डिफाइन 0 से करते हैं तो उस कंडीशन में हम उसको 0 लिख सकते हैं, बस कई टर्म पे हम ये भी कहते हैं कि इन्फिनिटी डॉट 0 जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास कई बार 0 डॉट इन्फिनिटी या इन्फिनिटी डॉट 0 हो,
तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। इसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि ये डिफाइन है, ये लिखा भी है, इट इज़ अ बिट डेंजरस टू डिफाइन 0.∞। हाउ एवर प्लेइंग इट वेरी केयरफुली इट टर्न्स आउट टू यूजफुल टू सेट 0.∞ बराबर 0 माइनस इन्फिनिटी डॉट 0 बराबर 0। ये इसमें डिफाइन है, जरूरी नहीं है पर डिफाइन भी हो, क्योंकि अगर देखें इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, तो 0/0 ये टर्म जो है वो नॉट डिफाइन टर्म है, नॉट डिफाइन अनडिफाइन, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी डॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइन टर्म है। थैंक यू फ्रेंड्स।